भी हद तक जाते हैं सच्चे परमेश्वर की खोज में, जैसे कि भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने अपने परदादाओं के मजहब को ठुकरा दिया सच्चे परमेश्वर के लिए। आज उनका पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन उनकी खोज किन पथरीली राहों से गुजरती है, आइए देखते हैं। आप हाथ हिला रहे हैं और आपके हाथों के बीच में जो चीज नहीं हिल रही वो परमेश्वर है। इस बात से अगर आप भौचक्के हो गए हों तो आगे देखिए कि ये जो रिक्त स्थान है आपके चारों तरफ, ये जो स्पेस है, ब्लैंक जो है, यही परमेश्वर है। आप चाहे आगे देखिए, चाहे पीछे देखिए, चाहे ऊपर देखिए, दिखाई देता है ये परमेश्वर। इसका नाम है निराकार। भूपेंद्र की परवरिश एक सिख परिवार में हुई। उन्नत शिक्षण के बावजूद वे रिक्त स्थान को ही ईश्वर मानने लगे। निरंकारी लोगों का ये कहना है कि जब तक आप परमेश्वर को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आप परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। अनजाने में लोग भक्ति कर रहे हैं, आपको गुरु के ज्ञान के द्वारा परमेश्वर दिखा दिया जाता है। और इसको आप जब देख के भक्ति करते हैं, इसको जान लेते हैं कि ये परमेश्वर है, तो आप मरने के बाद आपकी जो आत्मा अंदर से निकलेगी, ये जो स्पेस है यहीं से निकलेगी और इसी में आ जाएगी, आप मुक्ति पाएंगे। तो मोक्ष की खोज ने ही भूपेंद्र को इस रिक्त स्थान को ईश्वर मानने पर मजबूर किया था। आखिरकार इस विचार से वो कैसे प्रभावित हुए, ये मैं खुद भी समझ नहीं पाता। मैंने बताया मैं बहुत पढ़ा लिखा था, वकालत कर रखी थी, बीए एलएलबी सीआईबी मैंने कर रखी है, लेकिन जब इन्होंने मुझे ये स्पेस दिखाया तो मैं इसको दिल से मान गया कि यही परमेश्वर है जो अंग संग है। क्योंकि इन्होंने बताया कि देखिए, ना तो इसको पकड़ सकते हैं, ना इसको आप आग लगा के जला सकते हैं, ना इसको गीला कर सकते हैं। ये परमेश्वर की पावर है कि इसको कोई पकड़ नहीं सकता खाली स्थान को, यही परमेश्वर है। इस दौरान भूपेंद्र अपने पंथ के रिवाजों में उलझ गए और मोक्ष पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, लेकिन एक बेमिसाल मोड़ उनकी जिंदगी का इंतजार कर रहा था। बाबा जी का एक राइट हैंड था, उसका नाम है, उसने मुझसे प्रश्न किया कि हम आपको इंग्लैंड या अमेरिका भेज देते हैं बैंक की नौकरी में और आपको 2-3 लाख में तनख्वाह मिलेगी। तो मैं एकदम खुशी से तैयार हो गया कि चलो ठीक है, बाहर चले जाएंगे और अच्छी तनख्वाह 2-3 लाख मिलेगी। तो मैं इनकी बात मान के अपनी लंबी रकम इन्होंने मेरे से ले ली। कई दिन बीत गए लेकिन उनके विलायत जाने के मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। वो अपने दिए हुए पैसे के बारे में पूछताछ करने लगे। मैं अपने पैसे के लिए तलाश में उनके पास गया तो मुझे पता लगा कि मेरे से नहीं, उन्होंने हजारों लोगों से पैसा ले रखा। सबको यही कह रखा था कि आपको हम बाहर भेज देंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी, आप चले जाएंगे। जब उनको एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी की सारी कमाई बर्बाद हो चुकी है तो वो बुरी तरह टूट गए। जब उन्होंने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया, मतलब हमने ये देखा कि वो प्यार की शिक्षा देते हैं, प्यार करो और एकता रखो, लेकिन वो प्यार खुद भी नहीं करते। यहाँ तक कि जो अच्छे अच्छे जब गुरु ने ही प्यार हमसे नहीं किया तो दिल टूटा हुआ था और टूटे हुए हम भटक रहे थे। तो अचानक मेरी पास्टर आइजिक मलिक हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने भूपेंद्र के मोक्ष के प्रति उनकी विचारधारा को बदल के रख दिया। उन्होंने बताया कि जब तक मुक्ति इंसान की तब तक नहीं हो सकती जब तक उसको पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। ये चीज़ मैंने कभी सुनी नहीं थी आज तक। पापों की क्षमा के बारे में तो निरंकारियों ने कभी बताया नहीं था। वो तो कहते थे कि अगर आपने परमेश्वर इस खाली स्थान को देख लिया है तो आपको मुक्ति मिल गई है, लेकिन इन्होंने बोला मुझे कि ना तो देखने से मुक्ति मिलेगी, ना कोई पूजा पाठ करने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक इंसान के पाप क्षमा नहीं होंगे। भूपेंद्र का अगला सवाल ये था कि उनको पाप से छुटकारा कैसे प्राप्त हो सकता है। यीशु मसीह जो क्रूस पे मारे गए, उनका लहू आपके कारण बहा, आपके पापों को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। जो सज़ा आपको मिलनी थी वो यीशु मसीह ने स्वयं ले ली। मुझे ये शब्द बिल्कुल सुराग की तरह छेदने लगे कि सच्चाई यही है। डिसाइड कर लिया कि हम प्रभु यीशु मसीह को अब स्वीकार करेंगे, यही मुक्ति का एक रास्ता है, इसके अलावा कहीं मुक्ति नहीं है। लेकिन भूपेंद्र के भौतिक जीवन में इस बात का कैसा असर हुआ? प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई दौलत मिल गई या मेरा कोई धंधा चल गया, क्योंकि धंधा तो मेरे पास था ही नहीं, पहले से नहीं था, तो धंधा चलने का मतलब। लेकिन मुझे एक आत्मिक सुकून मिलना शुरू हुआ। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मुझे कुछ अंदर से कुछ मिल गया है कि सच्चाई यही है, सच्चाई इसके अलावा दूसरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भूपेंद्र की जो जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण था वो बदल गया। हमें ये तमन्ना नहीं है कि हमें कोई दौलत चाहिए या हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन प्रभु हमें शांति दे। तो हमें अंदरूनी से अपने आप ही पता नहीं क्या शांति आने लग गई। हमें जो चिंता रहती थी कि अब क्या होगा, वो मेरे से ऑटोमेटिक धीरे धीरे दूर होने लग गई। अपने पुराने पंथ के दोस्तों के लिए आज भूपेंद्र कुछ कहना चाहेंगे।
ग्रंथ साहब के अंदर क्लियर कर लिखा है, शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, शब्द के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, यही बाइबल बताती है। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, और वही यीशु, यीशु को जान लें और सृष्टिकर्ता की तरफ लौट आए, ना कि सृष्टि की पूजा करते रहें।